हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्स उपाध्याय। आज मैं आप लोगों को कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो कि हम लोगों को पता है लेकिन फिर भी हम लोग इग्नोर करते हैं। किसी किसी को तो पता भी नहीं होगा, इसलिए आज मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो कि हमारे भारतीय संविधान में इन द 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमंगस्ट द 22 लैंग्वेजेस नेपाली लैंग्वेज इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड। तो हमारे संविधान में नेपाली लैंग्वेज भी है लेकिन फिर भी हम लोगों को जॉक्स के जरिए ये बोला जाता है कि तुम लोग नेपाली हो, नेपाल से आए हो। तो जब भी हम लोग ये सुनते हैं तब हमको बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज आप लोग ये मत बोलिए क्योंकि हम लोगों को सच में बहुत बुरा लगता और है। हमारे गोरखा कम्युनिटी से, नेपाली गोरखा कम्युनिटी से फ्रीडम फाइटर्स भी थे तो उन लोगों का नाम इतना नहीं लिया जाता है, पता नहीं क्यों। आप लोग अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आप लोगों को जरूर मिलेगा और मैं आप लोगों को आज पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि आज मैंने लिस्ट किया है उन लोगों का नाम। वो हैं मेजर दुर्गा मल्ल, दल बहादुर गिरी, छबीलाल उपाध्याय, कैप्टन दल बहादुर थापा, जंगबीर सापकोटा, राम सिंह ठाकुरी, पुष्प कुमार घिसिंग, बहादुर मुखिया, हेलेन लेपचा, गगा सेरिंग दुक्का, मित्र सेन थापा। ये लोग थे हमारे कम्युनिटी से फ्रीडम फाइटर्स लेकिन इतना नाम नहीं लिया जाता है, पता नहीं क्यों। तो ये भी हमको बहुत बुरा लगता है। और जब भी मैं मूवीज देखती हूँ, सीरियल्स देखती हूँ, वहां पे मैं ये देखती हूँ कि जिनको नेपाली कम्युनिटी का रोल प्रोजेक्ट किया जाता है उन लोगों को सिर्फ दूध वाला या सिक्योरिटी गार्ड ही दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों का मतलब नेपाली कम्युनिटी में सिर्फ दूध वाले या सिक्योरिटी गार्ड ही हैं, क्योंकि मैं खुद एक लॉयर हूँ और मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हमारे फैमिली में ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ दूध वाले या सिक्योरिटी गार्ड ही हैं। और हमारे कम्युनिटी से कुछ भाई लोग भी हैं, कुछ नहीं बहुत सारे हैं, जो कि डिफेंस में हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। और जब से ये अमेज़न प्राइम वीडियो में पाताल लोक रिलीज हुआ है तब से मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वहां पे एक स्लैंग वर्ड यूज किया गया है जो कि नेपाली गोरखा कम्युनिटी को रिलेट करते हुए बोला गया है। तो प्लीज आप लोग ये सीन डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये देख के हमको बहुत बुरा लगा है, सारा गोरखा कम्युनिटी को बुरा लगा है। आप लोग स्लैंग वर्ड तो यूज कर सकते हैं लेकिन किसी कम्युनिटी को रिलेट करते हुए मत कीजिए क्योंकि उस कम्युनिटी को बहुत बुरा लगता है। और अंत में आप लोगों को मैं एक गोरखा गाना मैंने गाया था वो सुनाने जा रही हूँ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और अगर कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं तो मुझे आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जौबंदी मा पचुकी बाध्य छैन भन्दै मा पखेरी मा घास काट्न जान्य छैन भन्दै मा जौबंदी मा पचुकी बाध्य छैन भन्दै मा पखेरी मा घास काट्न जान्य छैन भन्दै मा मलाई गोर्खाली हैन भन्न कहाँ पाइन्छ म त गोर्खालाई माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ म त गोर्खालाई माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ।
गाजल टिकी राम्रै लाग्छ लाउने बानी छैन मेरो लाउने बानी छैन हो गाजल टिकी राम्रै लाग्छ लाउने बानी छैन मेरो लाउने बानी छैन गोठाला र मेला पातमा धाउने बानी छैन मेरो धाउने बानी छैन उकाली र ओराली भो नहिडेको बाटो तर प्यारो लाग्छ मलाई मेरै देशको माटो चौबन्दीमा पटुकी बाध्य छैन भन्दैमा पखेरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा मलाई गोर्खाली हैन भन्न कहाँ पाइन्छ म त गोर्खालाई माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ म त गोर्खालाई माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ छैन भन्दैमा पखेरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा मलाई गोर्खाली हैन भन्न कहाँ पाइन्छ म त गोर्खालाई माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ म त गोर्खालाई माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ